गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज के हम लोग अपने केमिस्ट्री की क्लासेस में सॉल्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, रिवर्स ऑस्मोसिस, एबनॉर्मल मोलर मास एंड वैन हॉफ फैक्टर। ठीक है, तो ये इतने सारे टॉपिक कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे कंटेंट्स हैं। चलिए सोशल रिस्पॉन्स की तरफ, फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस 19, कोविड 19, स्टे होम, स्टे सेफ। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, जिसको SPM से डिनोट करते हैं। ठीक है, SPM से डिनोट करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या होता है कि एक तरीके का मेम्ब्रेन है। ठीक है, जैसे हम लोगों का एनिमल ब्लाडर होता है। ठीक, एनिमल ब्लाडर, ठीक है, इसका एग्जांपल है, एग्जांपल। ठीक, एनिमल ब्लाडर, ब्लाडर का काम क्या होता है, ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, सिर्फ सॉल्वेंट को अपने से पास होने देता है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स को नहीं होने देता है। ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन है जो क्या करता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल को अपने से पास होने देता है लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स को अपने से पास होने नहीं देता है। ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज ए मेम्ब्रेन विच अलाउज फ्री पासेस ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बट नॉट टू द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ये समझ में आ गया। चलिए इसके बाद देखते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ये पूरा पूरी जो SPM है उसी से रिलेटेड है। ठीक, चलिए ये क्या होता है कि जब भी एक सॉल्यूशन और एक प्योर सॉल्वेंट। ठीक, चलिए पहले डायग्राम में समझ। ये देखिए, ठीक, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों को सेपरेट किया गया है, किससे, SPM से सेपरेट करके रखा गया। ठीक है, इस केस में क्या होता है, चलिए देखते हैं। वहाँ पे ठीक है, इस केस में क्या होता है कि व्हेन ए सॉल्यूशन एंड ए प्योर सॉल्वेंट इज सेपरेटेड बाय SPM, द वेपर प्रेशर एंड द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, आर ग्रेटर देन दोज ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक, ये हम लोगों को भी पता है कि जो सॉल्वेंट का होता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सॉल्यूशन। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है, जहाँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी हम लोग ने ये पढ़ा था। ठीक है, ठीक, तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा वहाँ से जो लिक्विड है वो मूव करना स्टार्ट होगा। कहाँ तक मूव करेगा, जहाँ पे कम प्रेशर है उस तरफ मूव करना स्टार्ट होगा। तो इसी से क्या होता है, जो सॉल्वेंट है वो प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है, फ्लो होता है SPM के थ्रू कहाँ, सॉल्यूशन की तरफ। ठीक, क्यों, क्योंकि इसका जो प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर ज़्यादा होता है सॉल्यूशन से। ठीक है, तो इधर से प्योर सॉल्वेंट से लिक्विड, ठीक है, सॉल्वेंट फ्लो होना स्टार्ट होता है इधर सॉल्यूशन की तरफ। ठीक, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। चलिए और एक बार इसको समझ लेते हैं कि जब एक सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट को SPM से सेपरेट करके रखा जाता है, SPM बीच में डाल दिया जाता है, जैसे कि डायग्राम में बनाए थे, ये मेरा ये SPM, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये मेरा हो गया सॉल्यूशन और ये SPM। ठीक है, SPM से अगर अलग करके रखा जाता है तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ये ज़्यादा होता है, किससे, सॉल्यूशन से, जिसके वजह से क्या होता है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो होना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल इसीलिए फ्लो होना नहीं होता है, फ्लो नहीं होता, क्योंकि SPM का प्रॉपर्टी क्या है, सेमी
परमेबल मेम्ब्रेन का, कि ये सेपरेट करके भेजता है, सबको नहीं भेजता, उसको जिसको पास करना है उसी को भेजता है। अब पास करना किसको है, वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को करता है, सिर्फ सिर्फ सॉल्वेंट को करता है, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का तरफ सॉल्वेंट्स का फ्लो होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक, अब जो ये फ्लो होता है, अब प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का तरफ सॉल्वेंट जा रहा है, अब इस सॉल्वेंट को रोका जा सकता है, कैसे रोकेंगे, किसके वजह से जा रहा है पहले वो देखते हैं। जा किसके वजह से रहा, प्रेशर के वजह से जा रहा, क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा है इसीलिए जा रहा। अब उस प्रेशर को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपोजिट साइड में प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिधर प्रेशर ज़्यादा था जितना अमाउंट में था उतना अमाउंट में अगर हम अपोजिट साइड्स में प्रेशर एग्जैक्ट कर देंगे, लगा देंगे, तो क्या होगा, उस प्रेशर इसको बैलेंस कर लेगा। बैलेंस करने से जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट था थ्रू प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन वो रुक जाएगा, ठीक है। तो वो जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू द एसपीएम बाय अप्लाइंग सफिशियंट प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वाला साइड में प्रेशर अप्लाई करके इसको रोका जा सकता है, और जो अप्लाइड प्रेशर होगा उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको पाई से डिनोट करते हैं। ठीक, तो इसका और एक अगर दूसरा डेफिनेशन देखेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रेशर नेसेसरी टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के लिए जो प्रेशर लगेगा। ऑस्मोसिस क्या है, ये द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम बाय थ्रू एसपीएम टू सॉल्यूशन, ठीक है, ये ऑस्मोसिस है, और ऑस्मोसिस को रखने के लिए जो प्रेशर लगाएंगे प्रेशर उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, उसका अमाउंट क्या होता है, ये रहा मेरा प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, ठीक है, ये रहा मेरा सॉल्यूशन वाला, इधर से इधर फ्लो हो रहा था, तो इस पर प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगा के इसको बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे तो कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, ये जो डिफरेंस है, ठीक, इसी चीज़ को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसका बीच का डिफरेंस को, ठीक, ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई से डिनोट करते हैं, और ये सेपरेट क्या हुआ है एसपीएम से। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोले थे, जो कि किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलारिटी का, कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है, टी टेम्परेचर में। तो ये हो गया पाई इक्वल टू सी आर टी, सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी है, आर क्या है गैस कॉन्स्टेंट, और टी क्या है टेम्परेचर। ठीक है, अब सी का फॉर्मूला क्या हो गया, एन टू बाय वी, एन टू क्या है यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट, भी क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलारिटी का डेफिनेशन याद कीजिए, क्या है टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। ठीक है, तो वहां से ये सी वाला जो था वो इसमें कन्वर्ट हो गया, एन टू बाई वी, एन टू क्या है मोल ऑफ सॉल्यूट, और वी क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब एन टू का फॉर्मूला कल भी किए थे, ये आगे भी कर चुके हैं, एन टू इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू टू एम वन सॉरी एम टू, ठीक है, एन टू इक्वल टू डब्ल्यू टू बाय एन टू एम टू। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है गिवेन मास बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे ये एम टू ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, पाई नीचे आएगा, तो फॉर्मूला मेरे को क्या मिल गया, ये मिल गया, यहाँ पे डब्ल्यू टू क्या है गिवेन मास, गिवेन मास ऑफ सॉल्यूट, पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, आर क्या है गैस कॉन्स्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, भी क्या है वॉल्यूम। ठीक है, और एक बार डब्ल्यू टू क्या है गिवेन मास ऑफ सॉल्यूट, आर क्या है गैस कॉन्स्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम। इन सब का वैल्यू जो दिया हुआ रहेगा उसको हम पुट करेंगे तो वहाँ से एम टू का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है।
सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, ये क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे बार में ये ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, ठीक। और ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है भी, ठीक है, देखिए सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक। और ये क्या दिया हुआ है, W2, ठीक है। अब निकालना क्या है, M2 निकालना, सारा का वैल्यू दिया हुआ है, M2 वाला जो अभी यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े थे, अभी जो फॉर्मूला यहाँ पे पढ़े थे ये फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे, W2 RT/π भी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने से मेरे को इसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल्स देख लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक। इसके लिए क्या होगा कि अगर कोई गिवन टेम्परेचर में, कोई गिवन टेम्परेचर में दो या उससे ज़्यादा अलग अलग सॉल्यूशन को लिखा जा लिया जाता है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, तो उस जो पेयर है, ठीक है, या जो ग्रुप है उनको एक दूसरे का आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक। तो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर एक गिवन टेम्परेचर में सेम होता है उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक। सॉल्यूशन विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, या गिवन टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, आर सेड टू बी आइसोटोनिक। यहाँ पे सॉल्यूशन छुटा हुआ, लिख लीजिएगा सॉल्यूशन, अब रिवर्स ऑस्मोसिस RO, ठीक है, RO सिस्टम होता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। अब उसमें क्या होता है, देखिए अब ऑस्मोसिस हम लोग पढ़ लिए, रिवर्स मतलब क्या होता है उसका ऑपोजिट। ऑस्मोसिस में क्या था, ऑस्मोसिस में क्या था, ये ऑस्मोसिस में क्या था, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन जा रहा था, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन जा रहा था, ठीक। और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम लोग क्या किए थे, इस साइड में प्रेशर लगाए थे, इस साइड क्या किए थे, सॉरी थोड़ा सा, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन जा रहा था ये ऑस्मोसिस में, और प्रेशर हम लोग यहाँ पे लगाए थे, किसके लिए लगाए थे, इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए। अगर जो हम अप्लाइड प्रेशर है ये ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगा देंगे तो क्या होगा, इधर का प्रेशर बढ़ जाएगा, इधर का प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ से, अब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, इधर से इधर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब फ्लो क्या होगा, SPM है बीच में, सेपरेट कौन करके रखा है, SPM करके रखा है। इसका प्रॉपर्टी पढ़े, सबसे पहले पढ़े क्या करें, पढ़े कि ये सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास होने नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, सॉल्ट है प्लस वाटर है, सॉल्ट है प्लस वाटर है, ठीक। ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूट, ये कौन हो गया, सॉल्वेंट। अब इसका काम क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देगा, मतलब सिर्फ वाटर को पास होने देगा, जो भी इंप्योरिटी रहेगा वो इधर ही रह जाएगा, जो भी इंप्योरिटी रहेगा वो इधर ही रह जाएगा, सिर्फ पास होगा तो क्या होगा, सिर्फ वाटर पास होगा। तो यहीं इसी तरीके से RO काम करता है, ठीक है। और RO का मतलब क्या हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो था उसमें, ऑस्मोसिस में क्या था कि फ्रेश वाटर टू सॉल्यूशन जा रहा था, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट ही जाएगा, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन से फ्रेश प्योर सॉल्वेंट का तरफ, ठीक। और कंडीशन क्या है कि जो अप्लाइड प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस का। चलिए अभी डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन में भी वही चीज़ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ ऑस्मोसिस इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर जो प्रेशर अप्लाई किया गया वो ज़्यादा होता है, ठीक है, तो द सॉल्वेंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द सॉल्यूशन टूवर्ड्स द प्योर सॉल्वेंट। ऑपोजिट वहाँ पे क्या था, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन था ऑस्मोसिस में, इसमें हो रहा सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, और ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस या RO, ठीक है। तो RO सिस्टम समझ में आ गया, ये उसका डायग्राम, ठीक है। अब एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, एबनॉर्मल हम लोग किसको बोलते हैं, जो चीज़ नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है।
तो जो भी हम लोग पढ़े डिसोसिएशन एसोसिएशन हम लोग पहले पढ़ चुके थे, ठीक है। तो उसके वजह से डिसोसिएशन क्या होता है, टूटना, एसोसिएशन क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन के वजह से जो मास होता है, मोलर मास, जो इस फॉर्मूला से निकाल रहे हैं, जो भी अभी हम लोग कर चुके हैं, उस फॉर्मूला से जो मास निकालते हैं और जो ओरिजिनल मास होता है, ठीक है, जो ऑब्जर्व मोलर मास और जो नॉर्मल मोलर मास होता है वो वैरी करता है, ठीक है। तो जो नया मास है, मतलब जो वैरी करता है, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक। ड्यू टू एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन द ऑब्जर्व मोलर मास वेरीज फ्रॉम या वेरीज विद द नॉर्मल मोलर मास, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। इस ऑब्जर्व मोलर मास को हम लोग बोलते हैं, क्लियर, क्योंकि ये नॉर्मल मोलर मास से वेरी करता है। ठीक, अब वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद और एक चीज़ है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं वेंट हॉफ फैक्टर क्या है। जो वेंट हॉफ है, साइंटिस्ट का नाम है, 1880 में एक फैक्टर दिए थे जिसको आई, स्मॉल आई से डिनोट किया गया था, ठीक है। इसी चीज़ को वेंट हॉफ फैक्टर बोला जाता है, ठीक। और इसका फॉर्मूला वो क्या दिए थे, ठीक, ये होता कब है, पहले वो देख लेते हैं। ये होता कब है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन और इन केस ऑफ एसोसिएशन होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या दिए थे, आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक। ऑब्जर्व उसी का अलग अगर फॉर्मूला, ये अगर मेरे को डाटा में दिया हुआ रहा तो ये पुट करेंगे आई का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग को ये नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी दिया हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑब्जर्व लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कैलकुलेटेड लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जो दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से हमको पुट करना है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या हो गया आई के लिए, नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्लस कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसी के साथ ये एक फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। एसोसिएशन से पहले कितना था, एसोसिएशन के बाद या डिसोसिएशन के बाद कितना था, दोनों का जो एवरेज निकालते हैं वो भी आई का वैल्यू का इक्वल होता है, ठीक है। अब देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, पी वन नॉट माइनस पी वन बाई पी वन नॉट इक्वल टू एन टू बाई एन वन, ठीक, ये फॉर्मूला था। तो उसी में आई लग जाएगा, ठीक है। तो आई लगने से क्या हो जाएगा मेरा, वो चीज़ मतलब जो वेंट ऑफ फैक्टर है उसका यूज कर रहे हैं फॉर्मूला में, ठीक। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेल टी बी इक्वल टू के बी एम था, तो उसी में भी आई लग गया। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में भी वही चीज़ आई लग गया, इक्वल टू के पहले, सॉरी इक्वल टू के बाद, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी ये लगा, ठीक है। जो फॉर्मूला था वही रहेगा, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर वाला आज हम लोग पढ़े, क्या पढ़े थे, एन टू आर टी बाय भी ये पढ़े थे, तो इसी के यहाँ पे आई इन टू हो जाएगा। आई क्या है मेरा, वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर है, ठीक है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसमें क्या निकालने दिया गया, देखिए वेंट ऑफ फैक्टर निकालने दिया गया, तो आई का वैल्यू निकालना है, ठीक। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला गया है, मोलारिटी निकाला गया है, ठीक है। देखिए पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला गया है, फिर मोलारिटी निकाला गया है, ठीक है, फिर डेल्टी एफ का वैल्यू दिया हुआ है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर द लेंथ वाज इतना दिया हुआ है, डेल्टी एफ, ठीक। तो इसका फॉर्मूला यूज करके ये निकाला गया, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया था, तो उसके यूज करके निकाला गया वेंट ऑफ फैक्टर ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट बाय कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। ऑब्जर्व कितना है, ये जो क्वेश्चन में दिया गया है, कैलकुलेट, ये फॉर्मूला के यूज करने से मेरा इतना निकला। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी,
फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड में क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये जो कैलकुलेशन से निकाले मतलब इस फॉर्मूला का यूज करके निकाले, कौन सा? डेल्टी एफ इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, कि के बी इंटू क्या होता है, के बी इंटू एम। ठीक है, ये के बी वाला वैल्यू आ गया, सॉरी के बी वाला ये दिया हुआ है, ठीक, और एम यहाँ से निकाले। ठीक है, चलिए इधर वाला कंसेप्ट तो बताया नहीं, ये वाला छुटा हुआ है, ये वाला हम बता देंगे ठीक है नेक्स्ट क्लास में। चलिए थैंक यू।